Hello everyone, in this video I would like to discuss the problem B of code forces round 837. In this problem अपन को n friends दिए होंगे जो एक क्यू में खड़े हैं from 1 to 3 up to n. अब अपन को m pairs दिए होंगे such that a कोमा b जो pair होगा वो represent कर रहा है कि a और b friend नहीं है. अब अपन को ये अपनी प्रॉब्लम में ये पूछ रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ सब सेगमेंट फाइंड करने हैं सच दैट ईच सब सेगमेंट इज टोटल नंबर ऑफ गुड सब सेगमेंट फाइंड करने हैं. अब ये एक सब सेगमेंट को गुड तभी बोल रहा है. लेट्स से अपन ने एक सब सेगमेंट सेलेक्ट किया ए टू बी. अब ए टू बीच के बीच में जितने भी पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं ना वो सारे फ्रेंड होने चाहिए तभी अपन उस सब सेगमेंट को गुड बोलेंगे. तो ऐसे अपन को टोटल नंबर ऑफ गुड सब सेगमेंट्स फाइंड करने हैं इस क्यू में. फर्स्ट टेस्ट केस से अपन चलो समझते हैं. अपन को थ्री फ्रेंड्स दिए हैं और टू पेयर्स दिए हैं. थ्री फ्रेंड्स इनिशियली 1 2 3 ऐसे खड़े होंगे. अब टोटल नंबर ऑफ गुड सब सेगमेंट्स फाइंड करते हैं. वन ऑब्वियसली ये गुड सब सेगमेंट होगा क्योंकि एक ही पर्सन है. वन एंड टू ये भी गुड सब सेगमेंट होगा क्योंकि वन एंड टू फ्रेंड है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो दिया इसने पेयर्स दिए इसमें से. अब वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री ये गुड सब सेगमेंट नहीं है क्योंकि टू एंड थ्री इसने दिया कि टू एंड थ्री इज नॉट ए फ्रेंड. पर अपना गुड सब सेगमेंट अपन तभी बोलते हैं कि इसमें सारे पेयर्स जो हैं वो सारे फ्रेंड्स होने चाहिए. तो अपना 1 2 3 इज नॉट ए गुड सब सेगमेंट. अब टू, टू इज ऑब्वियसली ए गुड सब सेगमेंट क्योंकि एक ही पर्सन है. टू एंड थ्री इज अगेन इज नॉट ए गुड सब सेगमेंट क्योंकि टू एंड थ्री फ्रेंड नहीं है. अब थ्री इज ए गुड सब सेगमेंट क्योंकि एक ही पर्सन है. तो अपना दिस इज नॉट ए गुड सब सेगमेंट, दिस इज नॉट ए गुड सेगमेंट. 1 2 3 4 तो इस पार्टिकुलर टेस्ट केस के लिए अपना आंसर हो जाएगा कि 4 गुड सब सेगमेंट्स. अब अपन ओरिजिनल प्रॉब्लम पे आते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ गुड सब सेगमेंट्स फॉर ए लार्जर एन एंड एम. इस पे अपन टू पॉइंटर्स अप्रोच लेके चलते हैं. लेट्स से अपन फॉर ईच आई इटरेट करेंगे. स्टार्टिंग पोजीशन अपन फिक्स कर देते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन अपन फिक्स कर देंगे. लेट्स से फॉर ईच आई अपन मैक्सिमम जे फाइंड करना चाहते हैं सच दैट आई आई प्लस वन आई प्लस टू आई प्लस थ्री आई प्लस फोर अप टू जे हैं. ये गुड सब सेगमेंट हो. अपन फॉर ईच आई मैक्सिमम जे फाइंड करना चाह रहे हैं सच दैट आई टू जे गुड सब सेगमेंट हो. इसके लिए अब अपन ये बता सकते हैं कि एवरी सब सेगमेंट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम आई एंड एंडिंग बिफोर और इक्वल्स टू जे इज ए गुड सब सेगमेंट. इसमें क्योंकि सारे पेयर्स फ्रेंड्स हैं तो सारे सब सेगमेंट होंगे जो कि आई से स्टार्ट हो रहे होंगे वो ऑब्वियसली सारे गुड सब सेगमेंट्स होंगे. अब अपन अपना टास्क बस ये रह गया कि अपन फाइंड जल्दी से जे कैसे फाइंड कर पाएंगे. जैसे अपन आई पे ट्रेड करें फॉर ईच आई, फॉर ईच आई अपन इनिशियली एक आंसर इक्वल्स टू जीरो मेंटेन करके चल लेंगे और फॉर ईच आई, फॉर ईच आई फ्रॉम वन टू एन अपन क्या करेंगे अपन ने जे फाइंड करेंगे है ना. और जे फाइंड कर लिया, जे फाइंड कर लिया अब अपन आंसर में क्या ऐड करेंगे जे माइनस वन जे माइनस आई प्लस वन क्योंकि इसके टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम आई एंड एंडिंग जस्ट बिफोर और इक्वल्स टू जे सारे गुड सब सेगमेंट्स होंगे. तो ऐसे ही अपन ऐड करते जाएंगे फॉर ईच आई अपन जे फाइंड कर लेंगे और अपना आंसर
हो जाएगा, अपना आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। अपना टास्क रहेगा कि जे जल्दी से कैसे फाइंड करें मैक्सिमम जे सच दैट फ्रॉम आई टू जे ये गुड सब सेगमेंट हो। ये अपन ऐसे करेंगे, अपन एक अरे बना लेते हैं इंट अरे नेक्स्ट करके, फिर नेक्स्ट ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा, ये नेक्स्ट ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम जे सच दैट फ्रॉम आई टू जे होगा ना, जे इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ सम सेगमेंट फ्रॉम आई टू जे माइनस वन, आई टू जे माइनस वन जो सेगमेंट होगा, ये जो सेगमेंट है इसका कोई भी किसी एलिमेंट का जे एक फ्रेंड नहीं है। तो अपन ऐसे ये स्टोर कर लेते हैं, नेक्स्ट ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम जे सच दैट जे इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ सम एलिमेंट ऑफ द सेगमेंट आई टू जे माइनस वन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन आते हैं, अपन को इनिशियली पेयर्स दिए होंगे, एम पेयर दिए होंगे सच दैट ए और बी ऐसे। अब ए इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ बी, तो अपन क्या कर लेंगे, नेक्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ नेक्स्ट ऑफ ए कोमा बी, ये अपन ऐसे स्टोर करवा लेते हैं। इनिशियली सारे अपन पास इनपुट आ गए, अब सारे इनपुट आने के बाद अपन क्या करते हैं, लास्ट से इटरेट करते हैं, आई इक्वल्स टू एन माइनस वन टू वन अपन इटरेट कर लेते हैं, और अपन ऐसे असाइन कर देते हैं नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ नेक्स्ट ऑफ आई कॉमा नेक्स्ट ऑफ आई प्लस वन। अब इससे क्या होगा ना, ये अपना जो फाइनली जो नेक्स्ट बनेगा रे, ये पिछले वाले ही बनेगी जो अपन ने पहले डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था कि नेक्स्ट ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम जे सच दैट जे इज नॉट ए फ्रेंड ऑफ द सेगमेंट आई टू जे माइनस वन, ये रिप्रेजेंट करेगा। अब अपना नेक्स्ट आ गया तो अपन इजीली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कोड करके देख लेते हैं, कोड के लिए अपन को एन और एम, इनिशियली एन और एम दियो, एन कोमा एम, एन नेक्स्ट अरे बना लेते हैं, और इनिशियलाइज अपन एन प्लस वन से कर देते हैं। एन प्लस वन का इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि अपन मान के चलते हैं कि फ्रॉम आई टू एन सारे फ्रेंड ही होंगे, अपन ये मान के चलते हैं एक बार के लिए। अब अपन जो पेयर दिए होंगे अपन इस पे ट्रेड करते हैं, ए टू बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो कर देते हैं एक बार क्योंकि अपन को ए छोटा चाहिए। अब अपन नेक्स्ट ऑफ ए इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ नेक्स्ट ऑफ ए कोमा बी, ये करवा लिया, और आंसर जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, और वही जो पहले अपन ने अप्रोच बताई थी उस पे चलते हैं एक बार सारे, नेक्स्ट आई इक्वल्स टू एन माइनस वन आई ग्रेटर देन जीरो आई माइनस माइनस, और इसमें इनिशियलाइज कर देंगे नेक्स्ट ऑफ आई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ नेक्स्ट ऑफ आई कोमा नेक्स्ट ऑफ आई प्लस वन। अब इस पे आई आई पे इटरेट कर दें, आई इक्वल्स टू वन टू एन प्लस एन, और आंसर में ऐड करते जाएंगे नेक्स्ट ऑफ आई माइनस आई, क्योंकि आई जो है नेक्स्ट ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फ्रेंड नहीं है और सब सेगमेंट आई टू जे माइनस वन का। तो इससे अपन ने सारे सेगमेंट दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम आई एंड दोज आर गुड सेगमेंट्स कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट ऑफ आई माइनस वन, एट लास्ट वी विल आउटपुट आर आंसर। ये टेस्ट केस रन करके देखते हैं, हाँ इस पे सही है, लेट्स सबमिट इट।
ही वर्क कर रहा है. सो थैंक यू, आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन. थैंक्स.